नमस्कार जी, आप रियासी जे के न्यूज देख रहे हो और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की दुखद खबर जो है वो जम्मू से है, जहां पर एक आर्मी का जवान जो है वो संदिग्ध परिस्थिति में जुलता हुआ पाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की दुखद खबर जो है वो जम्मू के सुजमा एरिया से है, जहां पर एक आर्मी का जवान जो है वो चाटा एरिया में तैनात था और मैं आपको बता दूं कि संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से जुलता हुआ उनका शव जो है वो पाया गया है। तो ये इस वक्त की दुखद खबर जो है वो जम्मू से है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक जब आर्मी में एक बेटा जो है वो तैयार होता है तो काफी ज्यादा जो है वो घर वालों की उम्मीदों पर वो खरा उतरता है और कहीं ना कहीं जो है वो देश सेवा के लिए अपने जान तक जो है वो निशावर कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के मामले जो है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को जो है वो जंकोर के रख देते हैं कि एक आर्मी का जवान अच्छी खासी उसकी जॉब लगी हुई है और खाली उसने जो है वो देश सेवा करनी है, तो वो आर्मी का जवान जो है वो आखिर इस तरह के कदम जो है वो क्यों उठाता है, क्या उसकी मजबूरी रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक आर्मी का जवान और जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो सुजमा के चाटा एरिया में अपने ही बैरक में जो है वो अपने कमरे में जो है वो पंखे से जुलता हुआ पाया गया है, जिसके बाद जो उनके साथी हैं उनको इसके बारे में जो है वो जानकारी मिलती है तो वो अपने जो है वो ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और उसे जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो उन्हें मृतक लाया घोषित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा दुखद रहता है कि जब एक व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा संघर्ष करता है, उस काबिल बनता है कि वो आर्मी में जा सकता है और उस काबिल वो बनता है जब, तो घर वालों को जो है वो काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं अपने बेटे से, पूरे समाज को जो है वो उम्मीदें रहती हैं, पूरे देश जो है वो उनके ऊपर निर्भर रहता है। तो आखिर क्या कारण रहता है कि इस तरह के मामले जो है वो निकल कर सामने आते हैं, आखिर आर्मी के जवान को जो है वो किस तरह से किस किस्म की जो है वो परेशानियां होंगी और इस कदम जो है वो इस तरह का कदम जो है वो उसने उठाया जहाँ खुद किया है या किसी और ने किया है, क्या इसके पीछे जो है वो पूरी बात रही होगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये व्यक्ति जो है वो जम्मू के सुजमा के चाटा एरिया में जो है वो तैनात था, जहां पर इस व्यक्ति की जो पहचान हुई है सुखविंदर सिंह पुत्र नायब सिंह निवासी बरनाला पंजाब के रूप में इनकी पहचान हुई है और ये मौजूदा समय में जो है वो जम्मू में तैनात है, जम्मू के सुजमा के चाटा एरिया में तैनात है। सुबह जब जो उनके साथी हैं वो देखते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक आर्मी का जवान जो है वो पंखे के साथ जुड़ता हुआ पाया गया, उसके बाद तुरंत जो सूचना है वो अपने ऑफिसर को दी जाती है, ऑफिसर जो है वो उनकी अनुमति से जो है वो तुरंत इस जवान को जो है वो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो अफसोस रहा कि इन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति की पहचान सुखविंदर सिंह पुत्र नायब सिंह निवासी बरनाला पंजाब के रूप में इनकी पहचान हुई है, इनके परिजनों को जो है वो सूचना दे दी गई है, परिजन जो है वो मौके पर पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि सुजमा पुलिस जो है वो मौके पे वहां पे पहुंची थी, पूरी जरूरी औपचारिकता जो है वो पूरी कर दी गई है। ओम शांति ओम जरूर लिखे, हो सकता है कि कोई और वजह रही हो, क्या इसका जो है वो कारण रहा हो। काफी दुखद रहता है कि जब एक बेटा जो है वो जब सेना में भर्ती होता है काफी ज्यादा संघर्ष जो है वो करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो सेना की नौकरी प्राप्त होती है, इसमें जो है वो घर वालों का भी काफी ज्यादा सहयोग रहता है और इस तरह के मामले जो है वो कहीं ना कहीं दुखद करते हैं पूरे समाज को। क्या कारण क्या वजह रही होगी, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई है। आप जो है वो इस दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना जरूर करें। ओम शांति ओम जरूर लिखे। फिलहाल इस दुखद भरी खबर के साथ मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहे रियासी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।